नर्ड्स, मैं हूँ आंचल और मैं हूँ सुशांत और ये है फैंडम टॉक्स। में आज हम रिएक्ट करेंगे रॉबर व्हिच इज रोमियो अकबर वाल्टर, राइट। सो फार मेरे को इतना पता है, नाम तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि रॉ के किसी एजेंट की कहानी है और इसमें पहले सुशांत सिंह राजपूत हीरो था, उसके पोस्टर वोस्टर रिलीज हो गए थे, बट देन जॉन अब्राहम रिप्लेस्ड हिम और अब जॉन अब्राहम ये फिल्म कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से जॉन ऐसी फिल्में कर रहे हैं। यस, पोखरण और बैक टू बैक फोर्स और ही इज बीन गुड इन देम। हां, वो अच्छा लगा तो मेरे को उम्मीद है, हाई एक्सपेक्टेशंस है इसके साथ भी। तो मेरे ख्याल से पहले हम लोग ट्रेलर चेक आउट करते हैं कि क्या है फिल्म, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, और उसके बाद ही हम आगे डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हियर वी गो। तेरे अब्बा हमें दिल्ली ले गए थे 26 जनवरी की परेड दिखाने। जनगण मन बजा नहीं तो अपने अब्बा से पहले सैल्यूट मारने को तैयार। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। So that looks intense. I mean, the amount of work that has been put in John Ibrahim's looks, like the different looks that he carries, it's amazing. I know. मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है। हाँ। और बहुत अच्छी से is not the right word actually. अच्छी से मेरा मतलब जो बहुत in depth किसी रॉ एजेंट, हम लोग जब भी रॉ एजेंट की कोई फिल्म देखते हैं या किसी मिलिट्री, थोड़ा सा ना उसको सिनेमैटिकली और बॉलीवुडाइज करके ये लोग वो दिखाते हैं हीरो बना के, फील्स के साथ एक्चुअली। हाँ, इसमें हम लोग को ना थोड़ा सा इंटेंस गोरी और डार्क साइड दिखने वाला है कि क्या डार्क साइड है, एक आदमी को क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ता है। अब वो किस तरह इतने सारे जो लुक्स हैं उसके, ठीक है, मतलब कुछ जगह पे तो खुद जॉन पहचान में नहीं आया, और लुक्स इतने अच्छे हैं कि जहाँ पे जब वो यंगर दिखाया है, मेरे ख्याल से उसका जब उसका एडमिशन हो रहा होगा शायद, या जब वो बना होगा नया नया ऑफिसर और वो यंग रॉ एजेंट है, तब आप उसके एज देख के आप फेस का मेकअप देख के आप बता सकते हो वो पुराने वाले जॉन जैसा लग रहा है, जो उसका एकदम ऐसे मुस्लिम लड़के वाला, अब वो भी ऐसा नहीं, छोटे घरों के जो होते हैं ना लोअर मिडिल क्लास, आपको गेटअप देख के पता लग रहा है पूरा सेटअप देख के, हाँ कि भैया बहुत अमीर फैमिली से नहीं थे क्योंकि ईमानदार मेहनती लोग थे, तो ईमानदार लोगों के पास ज्यादा पैसा होता नहीं हमारे देश में, वो लोग ऐसे एक सर्विस क्लास बन के रह जाते हैं, तो वैसे घर से पला बड़ा है, तो वही वैसा लुक है, कैसा वहाँ के बच्चे कैसे दिखते हैं, तो उस तरह से लुक डिजाइन करा। फिर थ्रू आउट जैसे जैसे वो मिशंस पे जा रहा है अपने अलग अलग, और मेरे ख्याल से एक जगह पे वो पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस में होता है जहाँ वो दाढ़ी वाला सीन है किसी बिल्डिंग के आगे, मैं उस बिल्डिंग को नहीं पहचानता, मे बी वो शायद पाकिस्तान का कोई एम्बेसी है या बाहर कुछ और वो है, मेरे ख्याल से इट इज़ पाकिस्तानी आर्मी क्योंकि उसका वो खाकी वाला कलर वैसा ही है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सा यूनिफॉर्म से क्या है, बट ओवरऑल आई एम एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, लाइक इट लुक्स टू बी अ गुड स्टोरी, थोड़ा सा इंटेंस और गोरी होने वाली है, या गोरी, मतलब इंडिया में वैसे भी गोरी मूवीज आर अ लिटिल स्पेयर्स, पीपल डोंट टच टॉपिक्स दैट आर जॉन की रेपुटेशन अब बन गई है कि वो ना कंटेंट ड्रिवन फिल्में कर रहा है,
साथ साथ वो सिर्फ वैसा फ्लैशी सा एट पैक्स वाला डूड नहीं रह गया कि जिसको एक्टिंग नहीं आती, जैसे बहुत सालों पहले लोग बोलते थे कि जॉन अब्राहम के पास एक्टिंग स्किल्स नहीं है, बट द गाय हैज बीन वर्किंग आउट नॉट ओनली मतलब अपनी फिजिक पे, हर एक चीज पे, नॉट जस्ट वर्किंग आउट, ठीक है, हर चीज पे उसने इतनी मेहनत करी है अपने एक्टिंग एक्सप्रेशंस और हर एक चीज में, आप मतलब आपको ग्रोथ दिखती है एज एन एक्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तब बुरा था, बट विद एज आप उसके वो देख सकते हो कि कितनी ग्रोथ करी है, आप उसकी एक्चुअली मूवीज की चॉइसेस देख के बता सकते हो कि वो मैच्योरिटी लेवल हाउ मच इज ग्रोन, यस, अब जब उसने स्टार्ट किया था ही वाज पिकिंग वेरी आई डोंट नो तब तो यार मसाला मूवीज, हां क्योंकि अब का मेन टाइम वो होता है ना, तो उस समय का मेन गोल होता है कि पैर जमा लो, exactly. इंडस्ट्री में एक बार पैर जमा लोगे तो फिर तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म, और बहुत अच्छा है, अमेरिका इतना मैंने इतना उम्मीद करी नहीं थी, तो इट इज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, और बहुत अच्छा लगा मेरे को, और जॉन अब्राहम को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा फिल्म के लिए, एंड आई होप ये फिल्म उतनी ही अच्छी हो जितना अच्छा ये ट्रेलर में दिख रही है, कहानी के बारे में हम लोग को अभी भी कुछ नहीं पता, बस थोड़ा सा फिल्म का फील मिला है, तो आई थिंक एक एक्सटेंडेड ट्रेलर इसका जरूर आएगा कुछ समय में, सो वो भी हम लोग जरूर चेकआउट करेंगे, एंड ख्याति हैज बीन एडवर्टाइजिंग दिस फिल्म नॉनस्टॉप, सो वी फाइनली हैड टू डू इट, बाय द वे ख्याति इज लाइक माय फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज हु इज लाइक अ ह्यूज जॉन अब्राहम फैन, एंड फैन डजंट बिगिन टू कवर इट, शी लाइक ऑब्सेस्ड, सो हर इंस्टा फीड इज लाइक फुल ऑफ रॉ राइट नाउ, so here's to you and hopefully you guys know what to do, subscribe to our channel, yeah, like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram, aur regular updates ke liye ghanta bajaye, bye.